दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 24 फीट बाई 54 फीट के प्लाट पर बने बेस्ट फेसिंग हाउस प्लान के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। ये प्लान वास्तु के अनुसार तैयार किया गया है। इसका स्टेयर बाहर से रखा गया है ताकि फर्स्ट फ्लोर पर रेंट के हिसाब से प्लानिंग किया जा सके। इस प्लान के फ्रंट में पोर्च काफ़ी बड़े साइज 15 फीट 11 इंच गुड़े 19 फीट 2 इंच का रखा गया है, जिसमें आराम से दो कार की पार्किंग किया जा सकता है। पोर्च से ही लगा हुआ एक साइड में स्टेयर दिया गया है, जिससे कि घर के अंदर बिना घुसे ही फर्स्ट फ्लोर पर जाया जा सकता है। एक बात और बता दूं, प्लाट का साइज 24 फीट बाई 54 फीट है। प्लानिंग 3 फीट छोड़ कर 24 फीट बाई 51 फीट पर किया गया है, ताकि सनसेट या स्लैब प्रोजेक्शन रोड में ना निकालना पड़े। अब प्लान को आगे देख लेते हैं। स्टेयर के पीछे और पोर्च से ही लगा हुआ एक बाथरूम भी बनाया गया है, जिसका साइज 7 फीट गुड़े 4 फीट है। अब मकान के अंदर की प्लानिंग देख लेते हैं। फर्स्ट में हम ड्राइंग में चलते हैं, जिसका साइज 11 फीट 5 इंच गुड़े 10 फीट है। ड्राइंग से दूसरे साइड में एक बेडरूम रखा गया है, जिसका साइज 11 फीट 6 इंच गुड़े 10 फीट है। नेक्स्ट लॉबी में चलते हैं, इसकी साइज 12 फीट गुड़े 10 फीट है। लॉबी से ही बाथरूम, जिसका साइज 5 फीट 7 इंच गुड़े 6 फीट है। लॉबी के दूसरे साइड में पूजा, जिसका साइज 5 फीट गुड़े 4 फीट है। पूजा से लगा हुआ एक स्टोर, जिसका साइज 5 फीट गुड़े 6 फीट 4 इंच है। इन सब में हवा और रोशनी का ध्यान रखते हुए एक 5 फीट 7 इंच गुड़े 4 फीट का OTS दिया गया है। लॉबी से ही लगा हुआ किचन 10 फीट 11 इंच गुड़े 6 फीट 8 इंच का बनाया गया है। किचन के दूसरे साइड में 12 फीट गुड़े 10 फीट का एक बेडरूम बनाया गया है। बेडरूम और किचन को पर्याप्त हवा और रोशनी मिलता रहे, इसके लिए पीछे के साइड में एक OTS, जिसका साइज 10 फीट 11 इंच गुड़े 3 फीट रखा गया है।